हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं मेन लाइन और एसएमई कैटेगरी के उन आईपीओ के बारे में जिनका अलॉटमेंट आना है, जैसे कि डी डेवलपमेंट और एक्मे फिनट्रेड। ये है मेन लाइन के, इनका अलॉटमेंट आना है। उसके साथ ही गाइज फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स और जेम एनवायरो मैनेजमेंट का अलॉटमेंट आना है, ठीक है। उसके साथ ही गाइज एक और आईपीओ डेलक्स टॉप सर्फेस। तो इन पांचों आईपीओ के बारे में आपको बताने वाला हूं। इन पांचों के जो रजिस्ट्रार है वो अलग अलग है, इनमें से दो का सेम है बस। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इन सब के अलॉटमेंट कब आएंगे, कहां आएंगे, किस तरीके से चेक करना है, और इन सब के जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट है उसके लिंक के बारे में, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो जानेंगे, और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है अलॉटमेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेटेस्ट डिटेल्स रिगार्डिंग, वो सब कुछ मैं आपके साथ साझा करूंगा। बस आपको कर रही है दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। दूसरा गाइस, अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बेहतर अपडेट्स आपको आईपीओ शेयर रिगार्डिंग हमेशा हमारी तरफ से मिलती रहे। तो चलिए अपने डिटेल में सबसे पहले मेनलाइन आईपीओ डी डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस डी डेवलपमेंट आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो आज का ही है, यानी कि 24 जून का। आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो है लिंक्डइन टाइम, ठीक है। तो ये लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे आपको पता चलने वाला है, ठीक है। यहीं पे गाइस जो दूसरा आईपीओ है एक्मे फिनट्रेड, एक्मे फिनट्रेड का जो डेट है वो सेम है, ठीक है। 24 को अलॉटमेंट, 26 को लिस्टिंग इसकी भी होनी है और डी डेवलपमेंट की भी, ठीक है। और जो रजिस्ट्रार है वो अलग-अलग है, उसका मैंने आपको बताया लिंक्डइन टाइम और इसका जो है वो बिग शेयर सर्विस है, ठीक है। तो गाइस इन दोनों का रजिस्ट्रार अलग अलग है, तो इन दोनों की वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना है। वेबसाइट का लिंक कैसे मिलेगा आपको मैं भी लास्ट में बता ही दूंगा। सारे आईपीओ का, पांच के पांच आईपीओ का एक जगह पे भी आपको लिंक मिल जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको अलॉटमेंट नहीं चेक करना आता है, आप नए हो, तो गाइस हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें अलॉटमेंट कैसे चेक करें, यहां पे थंबनेल लगा दे रहा हूं, उसको जाके देख लेना। इस वीडियो में हम वो कवर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज बताने है क्या मतलब है। यहां पे सिर्फ अलॉटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट होगी, लेकिन अलॉटमेंट कैसे चेक करना है किसी भी आईपीओ का वो उस वीडियो में जाकर देख लेना। अभी लेटेस्ट वीडियो डी डेवलपमेंट और एक्मे का ही, ठीक है। तो गाइस डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का या एक्मे का या एसएमई कैटेगरी आईपीओ का जो अलॉटमेंट का टाइम होता है वो अराउंड 8 बजे का होता है, ठीक है। कई बार 8:30 बजे 9 बजे भी दे देते हैं, लेकिन कई बार ये करते हैं लेट, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे 3:30 बजे रात को भी अलॉटमेंट आया एक्सिगो का, उसके पहले भी आप देख सकते हो यहां पे अगले दिन भी आया है 10:31 पे, अगले दिन जिस दिन डेट थी उस दिन नहीं आया था, उसके पहले आप देख सकते हो 9:26 पे, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, 7 बजे। तो गाइस क्या होता है कि अलॉटमेंट जो है वो अलग अलग रजिस्ट्रार देते हैं। अब हर एक रजिस्ट्रार का अपना अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। लिंक्डइन टाइम की बात करो तो लिंक्डइन टाइम तो भाई मोस्टली टाइम लेट ही देता है, तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। हम 8 बजे के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो चेक करना इन सबकी वेबसाइट पर जाके बार बार कि भाई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। लेकिन अगर तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अलॉटमेंट आए और तुरंत पता चल जाए, तो गाइस आपको हमारा ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट तो बताया ही जाएगा, उसके साथ ही आज के दिन यहाँ पे देख सकते हो JSW का हमने थोड़े दिन पहले स्विंग लेवल दिया था, जिन्होंने भाई टाइम दिया चैनल पे, उनको बढ़िया गेन मिला 50% का सीधे सीधे, ठीक है। यहां देख सकते हो आज के दिन करीब 270 पॉइंट तक का बढ़िया गेन, जबकि इसमें जो हाई है वो 1037 का है, लेकिन हमने जहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जहां पे मेंबर्स का प्रॉफिट बुक हुआ वो काउंट किया है, ठीक है। उसके पहले का भी आप देख सकते हो इस तरह के स्विंग लेवल, शॉर्ट टर्म लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स इस चैनल में मिल जाते हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे मिल जाएगा, ठीक है, और नंबर 2 पे आपको इस तरीके से अलॉटमेंट तो बता ही देंगे, बट न्यूज चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, ठीक है। नंबर 1 वाला चैनल जहां कॉल्स आती है, नंबर 2 वाला चैनल जहां पे न्यूज आती है, मार्केट की सारी रिफाइन न्यूज और अलॉटमेंट दोनों जगह आपके साथ साझा करूंगा। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप देख सकते हो कि ड्यूरलेक्स टॉप एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है, ठीक है, 8 बजे करीब। तो यहां पे गाइस हमने शेयर कर दिया, तो इसी तरीके से हम शेयर कर देंगे आपके साथ। तो जो 5 आईपीओ थे उनमें से अब 4 ही बचे जिनका अलॉटमेंट आना है, एक का एग्जैक्ट 8 बजे अलॉटमेंट आ चुका है, ड्यूरलेक्स टॉप एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है। अब सेकंड नंबर वाले या एक नंबर वाले चैनल से जुड़ो, वहां पे लिंक मिल जाएगा और जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको इन सब के लिंक अगर जो चाहिए तो इसी चैनल पे हमने शेयर कर दिया है इन सब का लिंक। डी पाइपिंग सिस्टम यानी कि डी डेवलपमेंट का लिंक्डइन टाइम रजिस्ट्रार है, ठीक है, यहां पे देख लो हमने शेयर कर दिया है। उसके साथ ही आसान लोन यानी कि एक्मे फिनट्रेड का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विस है, जेम एनवायरो, ठीक है, जिसका स्काईलाइन है, ठीक है, और ड्यूलक्स टॉप का तो हमने आपको बताई दिया कि अलॉटमेंट आ चुका है, और फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स का के फिनटेक है, ठीक है। तो इन सबके लिंक आपको यहीं पे मिल जाएंगे, और आप ये 2 नंबर वाले चैनल से जुड़ के ये सारे लिंक को एक साथ प्राप्त कर सकते हो।
उसके साथ अगर जो आप चैनल पर जुड़े हुए तो आपको मैसेज चला जाएगा कि भाई अलॉटमेंट आ गया, आप चेक कर लो। ठीक है, यहीं पे गाइस एसएमई कैटेगरी में जेम एनवायरमेंट हुआ या दूसरे आईपीओ, उन सबकी डेट भी सेम है, 24 को यानी कि आज के दिन ही अलॉटमेंट आना है, 26 को लिस्टिंग डेट है। ठीक है, मैंने आपको रजिस्ट्रार और लिंक बताई दिया है, देख लो। जैसे स्काईलाइन का है, ठीक है, तो स्काईलाइन का आप इस तरीके से ओपन करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नाम खुल के आ जाएगा। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ डालना है पेन नंबर, सर्च पे क्लिक करते ही आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे का चेक होता है, या फिर आप वो वाली वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो आपकी अलॉटमेंट रिक्वायरी हो गई सॉल्व। अब गाइस आपको मैं क्लियर कर दूं फिर से शॉर्ट में कि अलॉटमेंट इन पांचों आईपीओ का 8 बजे 8:30 बजे के बाद आ जाना चाहिए, बट कई बार रजिस्ट्रार लेट करते हैं तो उस कंडीशन में लेट हो जाता है। ठीक है, रात को 12-1 बजे भी आ जाता है, कई केसों में ऐसा होता है कि एक दिन बाद भी अलॉटमेंट आता है। सबकी डेट 24 तारीख को है अलॉटमेंट की, 26 तारीख को लिस्टिंग की डेट है, 5 के 5 आईपीओ की, 3 SME और 2 मेनलाइन के। ठीक है, लेकिन अगर जो लेट होता है तो हो सकता है 25 को दे, जिसके चांसेस बहुत ही लो है, काफी हाई चांसेस है सबका अलॉटमेंट आज ही आ जाए। ठीक है, तो अब इस बचा ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम जो करंट में गई डी डेवलपमेंट या ग्रे मार्केट है, वो हमें 85-90 रुपीस के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 44-45% अगेन अप्रोक्सिमेटली होता है। एक में फ्रंट रेट की बात करूं गाइस, तो इसका जीएमपी क्रैश होता दिखा फिर से एक बार, और जो जीएमपी है 10-14-15 रुपीस निकलता दिख रहा है गाइस, जिसके हिसाब से अराउंड 12-13% अगेन अप्रोक्सिमेटली होता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग आधा हो गया इसका एक बार फिर से एक में फ्रंट रेट का। ठीक है, जो अगला आईपीओ गाइस वो है फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स। फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये आईपीओ का भी जीएमपी खत्म हो चुका है, अभी कोई भी डिमांड नहीं निकल रही है, 0 रुपए की डिमांड है। कहीं पे अगर जो बचा हुआ है 1000 रुपए में लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको ना ही समझे। तो 0 रुपए की जीएमपी हमें फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट में निकलती दिख रही है। ठीक है, चांसेस काफी हाई होते जा रहे हैं, लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर जो मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बात करें ड्यूरेक्स टॉप सर्फेस की, जिसका अलॉटमेंट आई चुका है, मैंने आपको बताई दिया है, तो इस आईपीओ का जीएमपी है ये भी कम होता दिखा है, करंट में 58-59 रुपीस का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 86-87% अगेन अप्रोक्सिमेटली होता है। जेम एनवायरो की बात हो गई तो इसका जीएमपी 71 रुपीस के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 94-95% का गेन होता है एक लॉट में। ठीक है, तो यहां पे गाइस मैंने आपको अलॉटमेंट रिगार्डिंग डेट इंपॉर्टेंट्स और सारी अपडेट्स आपके साथ साझा कर दी है, जीएमपी बता दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्लियर होगा अब कि आप परेशान नहीं होगे। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप सॉर्टेड रहोगे, जब भी अलॉटमेंट आएगा आपके साथ सबसे पहले हम साझा कर देंगे। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, करते हुए गाइस प्लीज चल दिस वेल दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।